Hey guys, तो आज हम Vivo X100 और Xiaomi 14 का कंपैरिजन बताने वाला। दोनों फोन काफी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है और दोनों फोन का कैमरा भी काफी तगड़ा है और ये दोनों फोन व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं Vivo X100 और Xiaomi 14 का कंपैरिजन। तो मैं हूँ बीरेश शर्मा, इन्फोटेक A to Z पे आपका स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगर डिजाइन की बात करें तो Vivo X100 और Xiaomi 14 का डिजाइन काफी तगड़ा लग रहा है और दोनों फोन का कलर भी सेम देखने को मिलता है। तो आपको ये दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोनों फोन में कैमरा मॉड्यूल अलग अलग देखने को मिलता है। Vivo X100 में कैमरा सर्कुलर शेप देखने को मिल जाता है और Vivo के X सीरीज में काफी टाइम से यह कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है और वही Xiaomi 14 का कैमरा डिजाइन स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का अपना अपना डिजाइन काफी अच्छा है। अगर दोनों फोन का बैक देखें तो Vivo X100 का बैक काफी शाइनी देखने को मिलता है और Vivo X100 के बैक पे फ्लस लाइट से स्टार के जैसा बन जाता है जो काफी अच्छा लगता है और Xiaomi 14 का बैक थोड़ा कम शाइनी देखने को मिलता है और दोनों फोन में फ्रेम मेटल का देखने को मिलता है और बैक साइड में कर्व देखने को मिल जाता है दोनों फोन में। अगर डिस्प्ले की बात करें तो Vivo X100 में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है और Xiaomi 14 में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और स्क्रीन साइज की बात करें तो दोनों फोन का डिफरेंट साइज देखने को मिल रहा है। अगर कैमरा की बात करें तो Vivo X100 में काफी तगड़ा कैमरा देखने को मिलता है और Vivo का फोन कैमरा के ही नाम से जाना जाता है और वही Xiaomi 14 का कैमरा Vivo X100 से थोड़ा लो क्वालिटी देखने को मिल जाता है और वही फोटो क्लिक में Xiaomi 14 काफी फास्ट देखने को मिलता है और जूमिंग में Vivo X100 काफी अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें पावरफुल सेंसर लगा हुआ है और Xiaomi 14 में स्मूथ देखने को मिलता है। और दोनों फोन का चार्जिंग की बात करें तो Vivo X100 में 120 वाट का चार्जिंग देखने को मिलता है और बैटरी भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है और Xiaomi 14 में 90 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और 4400 mAh की बैटरी मिल जाता है। तो आपको ये दोनों फोन में से Vivo X100 और Xiaomi 14 में कौन सा फोन अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो कैसा लगा दोनों फोन का कंपैरिजन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।